नंदिश का बर्थडे गिफ्ट मैंने नंदिश की मम्मी को और नंदिश को। इतना बुरा दिन था कि सोता 10:30 बजे लास्ट गाड़ी लायक है या नहीं, अपने पैसे लड़ लूड़ के वापस ना वहाँ जाके अब फायदा ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नंदिश के साथ से, क्योंकि नंदिश की आज ही छुट्टी है। कल नंदिश का स्कूल है, तो कल नंदिश इतने टाइम में स्कूल चला जाएगा। तो कैसा लग रहा है कल स्कूल खुल रहा? इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मजबूरी में ये अच्छा बोल रहा है। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो रही है मसूरी के इन खूबसूरत वादियों से। तो आज भी मसूरी में लगभग मौसम पूरा साफ है, और आज भी काफी अच्छी धूप लगी हुई है। और अभी नंदिश भी उठ के आ गया है बाहर, और अभी हमारी नन्नू भी उठ गई है। और नन्नू ठीक है तू? हैं ओके, ठीक है तू? और इसका तो सुबह सुबह भाई उठना और नाचना ही खत्म नहीं होता है, और सुबह सुबह फोन देखने के लिए कभी के ये हाल होते हैं। सीधे आती है और मुंह के ऊपर सो जाती है, और फिर इसे फोन देखना होता है। आजकल के बच्चे बहुत भयंकर हो गए हैं, जैसे नींद खुली वैसे सबसे पहले फोन चाहिए। और जैसे हम बाहर गए वैसी कुकी की शक्ल देखने लायक हो रखी है, और कुकी अनेक तरह के मुंह बनाती है। और अभी हमारा नाश्ता बन गया है, तो आज हमारे नाश्ते में बनी है गर्मा गर्म आलू के परांठे, और उसी के साथ है मक्खन जो कि मेरी बहन ने अभी बनाया है। तो मैं और नंदिश वैसे खा नहीं रहा है, नंदिश की थाली साइड में है, नंदिश बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और कुकी भी तैयार है। और आज वैसे तो बृहस्पतिवार है, पर हमारे यहाँ डिलीवरी हो रखी है जिसकी वजह से हमसे पूजा पाठ नहीं होता है, तो इसलिए व्रत भी मैं नहीं करती हूँ। अब जब नेक्स्ट बृहस्पतिवार आएगा तो तब तक हम लोग लगभग डिलीवरी से साफ हो चुके होंगे, तो उसके बाद मेरे व्रत शुरू होंगे। अभी हमने नाश्ता कर दिया है, और आज हमने नंदिश के लिए बना रखी है ये वाली मैगी, क्योंकि नंदिश को काफ़ी टाइम से ये वाली मैगी खानी थी। तो अभी हमने बना दी है, 4-5 मिनट के बाद ये बन जाएगी, तो फिर नंदिश खाएगा इसे। और वैसे मैंने पर्सनली ये मैगी बहुत बार खाई है, मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने और मेरी दोस्त ने खाई थी तो उसको भी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब नंदिश को देखते हैं नंदिश को ये अच्छी लगती है या नहीं। और अभी नंदिश की मैगी भी बन गई है, तो अब नंदिश टेस्ट कर रहा है इस मैगी को। और यहाँ से कुकी लगी हुई है कि पापा नहीं दे रहा है, ये अकेले अकेले खा रहा है। कैसी हो रही? कैसी हो रही? बहुत ही बेकार हो रही। और अभी सब टेस्ट कर रहे हैं बारी बारी से, तो कृष्णा की बारी भी आ गई है। और कृष्णा कैसी हो रही? तो किसी को ये मैगी अच्छी नहीं लगी सिवाय कुकी के, कुकी को ये मैगी बहुत पसंद आ रही है। तो कुकी का ऐसा खाना बिल्कुल अच्छा लगता है। अभी जैसी मैं धूप पे आई तो यहाँ पे भैया लोग लगे हुए हैं ऊपर मार्केट चादर लाने पे। और मसूरी में जब धूप लगती है तो इंसान तो धूप सेकता ही है, बाकी जानवर भी भरपूर मात्रा में धूप में लेट जाते हैं। और अभी हमारा नंदिश भी आ गया है नहा धो के, तो नंदिश भी बैठ गया है धूप सेकने के लिए। और नंदिश का आज बहुत मजा आ रहा है धूप सेकने पे। और नहा धो के अभी हमारी कुकी भी आ गई है बाहर पे, और हमारी कुकी किसी के साथ भी फिट हो जाती है, तो अभी ये खेल रही है अपनी दीदी के साथ। और नंदिश ऐसा था, नंदिश किसी के पास नहीं जाता था, पर ये हर किसी के पास चली जाती है। इनका कुछ काम धाम नहीं है दोनों का, दोनों ही पूरे दिन भर फोन देखते हैं, तो नंदिश आज लगा हुआ है फोन देखने पे, और कल नंदिश जाएगा यहाँ से स्कूल। और अभी हमारा खाना भी बन के आ गया है, तो आज कृष्णा ने खाने में बनाई है राजमा की दाल, और साथ में है चावल। और आज है दूसरा दिन, तो अभी अभी मैं उठी हूँ, और हमारा नंदिश सुबह सुबह तैयार हो गया है। तो आज नंदिश का स्कूल 3 महीने के बाद खुला है। और नंदिश कैसा लग रहा? और नंदिश की शक्ल पे 2 बज रखे हैं। और आज नंदिश के स्कूल का पहला दिन है, तो सभी लोग आ रहे हैं नंदिश को छोड़ने के लिए, और बाई बाई। और सुबह नंदिश स्कूल आया था, और अभी मैं आई हूँ नंदिश को लेने के लिए, क्योंकि नंदिश का आज हमने हाफ डे करा। पहले नंदिश का स्कूल यहाँ से आगे था, और अब नंदिश का स्कूल यहाँ पे है, तो अभी मैंने नंदिश को ला दिया है घर। तो नंदिश कैसा रहा फर्स्ट डे? अच्छा। दोस्त बने? हाँ। तो इस स्कूल में नंदिश का नया एडमिशन है, नंदिश वाले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, अब नंदिश फर्स्ट में चले गया है, तो अब नंदिश इस वाले स्कूल में पढ़ता है। और आज हमने नंदिश का हाफ डे इसलिए करा क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से हिमाचल। वैसे हमने कल सोचा था, पर अचानक हमें जाना पड़ रहा है, तो इसलिए नंदिश से बिना मिले तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि नंदिश तमाशे करता फिर घर पे। तो मैंने सोचा नंदिश की छुट्टी
ले लेती हूँ स्कूल से, और मैम ने नंदिश को भेज भी दिया है, और अभी लगभग हमने खाना भी खा लिया है और हम लोग तैयार हो गए हैं, तो अब थोड़ा देर बाद हम निकलेंगे यहाँ से। और नंदिश का है बर्थडे 24 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस नंदिश। थैंक यू। और नंदिश की मम्मी के पास फोन नहीं था, तो नंदिश का बर्थडे गिफ्ट मैंने नंदिश की मम्मी को और नंदिश को दिया है, फोन। थैंक यू, मुझे फोन गिफ्ट करने के लिए। अच्छा लगा आपको? ठीक है, तो अच्छे ढंग से रहना, ठीक है? मम्मी को परेशान मत करना, फिर मौसी और चिज्जी लाएगी, ठीक है? और नंदिश का बर्थडे है 24 मार्च को, तो 24 मार्च को होली है, तो हो सकता है मैं ना आ पाऊँ। वैसे कोशिश तो ऐसी रहेगी कि आया जाए, पर चिज्जी तो नंदिश को हमेशा ही मिलती है, तो मैंने सोचा इस बार जिस चीज़ से ये वंचित है वो चीज़ इन्हें दी जाए। तो मेरे पास बहुत ही कम अमाउंट था, इतने में ही मैंने एडजस्ट करके नंदिश को और नंदिश की मम्मी को फोन गिफ्ट कर दिया है। तो अभी इसमें सिस्टम अपडेट हो रहा है, थोड़ा देर बाद ये फोन चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो नंदिश फिर ये फोन चलाएगा, ठीक है नंदिश? में एक और इंसान है, तो ये है गाजर चोर, तो ये अपने हाथों में गाजर लेके घूम रही है। बाय। तो अभी हमने नंदिश लोगों को सबको बाय बोल दिया है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून। और जब तक हम घर पे थे तब तक मौसम एकदम ठीक था, और जैसे ही हमारा जाने का टाइम हुआ वैसे ही बारिश होनी शुरू हो गई है। तो अब थोड़ी देर हमें यहाँ पे बस का इंतजार करना है, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। और अभी हम पहुँच गए हैं देहरादून के आइस बीटी में, और अभी हमें यहाँ से गाड़ी मिल गई है, तो इस गाड़ी पे हम जाएंगे यहाँ से चंडीगढ़ 43। और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई है, और पहले बस कंडक्टर ने पूरी सवारी बिठा दी, और उसके बाद जब गाड़ी चलने का टाइम आया तब बता रहे हैं कि गाड़ी ख़राब है। तो अभी सभी लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं अपना रिफंड लेने के लिए, और अभी मैं बस कंडक्टर से अपने पैसे लड़ लूड़ के वापस लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ जाके अब फ़ायदा ही नहीं है। नालागढ़ की गाड़ी लास्ट 10:30 निकलती है, तो 10:30 बजे मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, तो मैं कहाँ रहूंगी। और अभी फाइनली हम अटक भटक के पहुंच गए हैं फिर से इस मसूरी में, जहाँ की मुझे बिल्कुल नहीं आना था पर मजबूरी। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी, और आज का मेरा इतना बुरा दिन था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा मेरे साथ जिंदगी में पहली बार हुआ, और ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। और ऐसी चीजें होती है मेरी बहन की वजह से, मेरी बहन जब भी कहीं जाओ ये रोने लग जाती है पहले ही, तो क्या ही बोले। इसके और मेरी मम्मी के तो ये वाले रोने वाले ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं, मतलब कि इमोशनल मैं भी हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, पर इतनी भयंकर भाई साहब। पहले तो ये था इसका जाओ जाओ जाओ, फिर जब हम जब जाने पे आए तब आधे घंटे पहले से रोना शुरू, और जब कोई रोता है तब अच्छा नहीं लगता है, और आज हमारे साथ यही हुआ। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैं इस मसूरी में आई हूँ और मेरी बहन ने बिना रोए मुझे भेजा है, पर आज का रोना मेरी बहन का हमें महंगा पड़ गया। और जो फोन मैंने नंदिश को दिया है, नंदिश ने उस फोन में गेम इंस्टॉल कर दिया। नंदिश मौसा वापस आ गया, कैसा लगा? फालतू में रो रहा। तो ये भी रोने लग गया, इसकी माँ भी रोने लग गई, और इनके रोने से भगवान ने सुन लिया, और भगवान ने हमारी गाड़ी खराब कर दी। क्योंकि नालागढ़ के लिए ऐसा होता है 10:30 बजे लास्ट गाड़ी मिलती है, उसके बाद गाड़ियाँ नहीं मिलती है। तो हमारा टारगेट था कि 10:30 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाए, पर वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो पापा लोगों ने बोला कि कल ही आना, अब गाड़ी नहीं मिल पाई। और बहुत मुश्किल से लड़ झगड़ के रोडवेज वाले ने मेरा किराया वापस दिया है। उनको इतना देखना चाहिए कि जब तुम सवारी बिठा रहे हो तो तुम्हारी गाड़ी वेल कंडीशन है या नहीं, वो ठीक है, चलने लायक है या नहीं, कुछ नहीं, बस सवारी भरो और लास्ट में बोल दो कि गाड़ी खराब है। तो फिर ऐसी घटनाएं बहुत बार हो जाती है। और आज का दिन हमारा इतना थकावट भरा रहा कि अभी हमने खाना खा लिया है, और कुकी लग गई है मेरे कान खींचने पे, क्योंकि इसको कान खींचने में बहुत ही मजा आता है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।